तो उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से अलग राह लेने की चर्चाओं के बीच बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां इस मसले पर संभल कर बोल रही है, वहीं जेडीयू ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। इसी बीच पासवान कुनबे से भी कुशवाहा को झटका ही लगा है। कुशवाहा पर कयास और तेज, क्या सियासत का ये नया फेज होगी? लवकुश की राह अलग। एनडीए के लवकुश यानी नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। कुशवाहा के तेवर देखकर इस तल्खी के कम होने की उम्मीद भी फिलहाल बेमायने है। हालांकि कुशवाहा को बीजेपी आला कमान से कोई रास्ता निकलने की उम्मीद है, लेकिन अमित शाह से मुलाकात में देरी उन्हें बेचैन किए हुए है। अमित शाह जी से मुलाकात कल तो हम गए थे, लेकिन नहीं हो पाई। क्या करना चाहते है तो वही बताएंगे ना, हम अपनी बात बताएंगे, दूसरे लोग क्या करना चाहते वही बताएंगे। कुशवाहा के कष्ट हरण की कोई कोशिश सहयोगियों की ओर से भी होती नहीं दिख रही। बीजेपी मामले का समाधान निकालने के बजाय दूर से तमाशा देख रही है, लेकिन कुशवाहा की समझदारी पर उसे कोई शक नहीं है। उनके विधायक ने नीतीश कुमार यानी प्रशांत किशोर जी से मुलाकात की, वो मैं इस विषय में बोलने के लिए अधिकृत तो नहीं हूँ। देश का के विकास की रास्ते पर कौन ले जा सकता है ये उनको पता है, तो मुझे उम्मीद है उनको ये भी जानकारी होगा, और इस जानकारी के साथ वो जो भी निर्णय लेंगे वो बिहार के हित में ध्यान में रखकर और देश के हित में ध्यान में रखकर लेंगे। वहीं जेडीयू इस मसले को लेकर तपी हुई है। उसे कुशवाहा के शरद यादव से मिलने पर भी सख्त एतराज है, लेकिन आरएलएसपी के दो विधायकों के नीतीश कुमार से मुलाकात को वो महज शिष्टाचार कहकर टालना भी नहीं भूली। इधर कुशवाहा को जिस साथी से सबसे ज्यादा साथ की उम्मीद थी, उसने भी उनसे किनारा करने का फैसला कर लिया है। जो नेता एनडीए के विरुद्ध गठबंधन बनाने में अग्रगणी भूमिका निभा रहे हैं, उनसे एक मंत्री का मिलना असुविधाजनक भी है, आपत्तिजनक। कुशवाहा अब अपनों में ही अकेले पड़ गए हैं। जिस विरोध की सियासत का उन्होंने आगाज किया था, उसके अंजाम ने अब उन्हें अलग थलग कर दिया है। तो ऐसे में कुशवाहा के अगले कदम पर नजरें टिकी हैं कि वो गठबंधन धर्म निभाएंगे या उससे बाहर आकर सियासी करियर के नए फेज की शुरुआत करेंगे। संतोष और आशुतोष के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।